नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख लोकसभा सीटों पर उपचुनाव आज हुआ है, वोटिंग आज हुई है और अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करी जाए तो ये करीब 52% तक रहा है। फिलहाल अभी जो फाइनल आंकड़े हैं वो अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है क्योंकि 5 बजे तक करीब 49% वोटिंग हुई थी और उसके बाद अभी तक जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं उससे साफ साबित हो रहा है कि करीब 52 से 53% की वोटिंग इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर आज हुई है। ये दोनों ही सीटें कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी के गढ़ के होने के नाते ये दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की साख सबसे ज़्यादा फंसी हुई है क्योंकि ये दोनों वो सीटें हैं जहाँ से दोनों गद्दावर नेता जीत के आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में और इस बार इन दोनों का नाम जो है वो इस सीट को लेकर के काफ़ी रोमांचक तरीके से जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें लिया जा रहा था। पहला नाम था अखिलेश यादव का और दूसरा नाम आजम खान का। अखिलेश यादव आजमगढ़ की लोकसभा सीट से 2019 में सांसद चुनकर आए थे और रामपुर की इस सीट पर आजम खान सांसद चुनकर आए थे। उन्होंने जयप्रदा को करीब 2 लाख वोटों से हराया था। लेकिन अगर इन दोनों ही सीटों के समीकरण की बात करी जाए या इन दोनों ही सीटों पर आज के वोटिंग की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं पूरा जो दिन रहा है वो समाजवादी पार्टी के आरोपों से घिरा हुआ रहा। ये पूरी वोटिंग जो थी वो समाजवादी पार्टी के आरोपों से, शिकायतों से घिरी रही है। पूरे दिन सुबह से ही, जब से वोटिंग शुरू हुई थी उसके पहले ही, वोटिंग शुरू होने से पहले ही, कल रात से ही ये आरोप लगने लग गए थे और चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को ये शिकायतें दी जाने लगी थी कि लगातार इस चुनाव में धांधली की जा रही है, लगातार सरकार जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसका दुरुपयोग कर रही है और लोगों को डरा रही है, धमका रही है कि वो अपने घरों से ना निकलें, वो वोट देने ना जाएं। और कुल मिलाकर आज सारा दिन यही जो प्रोसेस था वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चलता रहा। कभी आजम खान सामने आए हैं, उन्होंने भी इसी की शिकायत की, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान सामने आए, उन्होंने भी ये शिकायत की। इसके अलावा आसिम राजा जो कि रामपुर से प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ की शिकायत की है। आजमगढ़ में भी कुछ इसी तरह से मामला रहा है। तो ये कुल मिलाकर के शिकायतों का जो दौर था और शिकायतों का जो बाजार था वो आज सारे दिन गर्म रहा समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि इस वोटिंग में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन की गुंडई देखने को मिल रही है। लगातार उन लोगों की तरफ से जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, लगातार उन लोगों की तरफ से गली मोहल्लों में जाकर के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप वोट देने ना जाएं। इसी वजह से जो वोटिंग का प्रतिशत है वो भी गिरा है, ऐसा आजम खान ने कहा है। आजम खान ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि कल से ही लगातार पुलिस प्रशासन हमारे लोगों के घरों पर जाकर के उन्हें जबरन परेशान कर रही थी, उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी और इसी वजह से लोग अपने घरों से डर के मारे वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं और यही वो कारण है कि ये लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है ये गिरता हुआ नजर आया है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर के आजम खान ने एक बात और कही है कि अगर फाइनल वोटिंग प्रतिशत भी गिरा हुआ आता है तो आप समझ लीजिएगा कि इस चुनाव में कुल मिलाकर के सरकार ने अपनी सत्ता, अपनी हनक, पुलिस की हनक, प्रशासन की हनक दिखाने की पूरी कोशिश की है, लोगों को डराया है, धमकाया है और उसी बल पर यह वोटिंग जो है आज की करवाई गई है। ये तो रहा वो मामला जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने आज रामपुर और आजमगढ़ को लेकर के चुनाव आयुक्त को लगातार शिकायतें की हैं कि इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन अगर इन दोनों ही सीटों पर समीकरण की बात करी जाए तो आज सुबह से ही यहाँ पर करीब 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई है। 52-53% की वोटिंग प्रतिशत का जो एवरेज है, जो अनुमान है, वो अभी लगाया जा रहा है। लेकिन अगर इन दोनों सीटों के समीकरण की बात करी जाए तो 2019 में निरहुआ इस सीट से, जो आजमगढ़ की सीट है जहां से अखिलेश यादव जीते थे, करीब इस सीट पर 3.5 लाख वोटों से, 3,61,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारे थे निरहुआ। अखिलेश यादव वहां से विजयी हुए थे। उस दौरान 2019 का जो चुनाव था उस दौरान जब अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। तो कुल मिलाकर के जो बसपा का वोट था वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस सीट पर मिला था। यादव वोट बैंक करीब 21% है, मुस्लिम करीब 15% है, 20% जो है वो दलित वोट बैंक है और 18% जो है वो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है जो इस सीट पर
मौजूद है, जिसका पूरा का पूरा जो फायदा था वो पिछले 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव को मिला था, लेकिन इस बार ये बीजेपी को मिलेगा। ऐसा लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से, दिनेश लाल यादव की तरफ से, निरहुआ की तरफ से कहा जा रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ, मुझे लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में वो पहचान बना रखी है कि एक जो यादव गढ़ है या फिर जो ओबीसी वोटर है या फिर जो आजमगढ़ का वोटर है मुझे काफी मोहब्बत करता है, और मेरे से लड़ाई करने के लिए बाहर के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है जिनका इस लोकसभा सीट से कोई भी लेना देना नहीं है। वो पहले भले सांसद रहे हों लेकिन इस लोकसभा सीट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, इनको प्रत्याशी नहीं मिला था, इसी वजह से इन्होंने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी के रूप में भेजा है। तो इस सीट पर अखिलेश यादव और यादव परिवार की, यादव खानदान की जो साख है वो पूरी पूरी लगी हुई है कि इस आजमगढ़ सीट को कैसे भी जीता जाए, क्योंकि आजमगढ़ सीट वो सीट है जिसने कई बार समाजवादी पार्टी, समाजवादी कुनबे को, उसकी इज्जत को बचाया है उस दौरान जब ज्यादातर सीटों पर ये हारते आए हैं, लेकिन आजमगढ़ की सीट पर इन्होंने जीत हासिल की है। दूसरी अहम सीट है रामपुर की, जहां से आजम खान का दबदबा रहा है। 2019 में आजम खान वहां से सांसद रहे, इस बार वो विधायक चुने गए हैं तो उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी थी, सीट खाली हो गई थी। इस सीट से उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने जयाप्रदा को करीब 2,00,000 वोटों से हराया था, और इस सीट पर भी अगर जो वोटिंग या फिर जो समीकरण की बात करी जाए तो करीब 50% हिंदू वोटर है और 49% मुस्लिम वोटर है, और ये तय करता है कि आखिर इसे वोट किधर देना है। फिलहाल अगर कुछ दिनों या फिर कुछ समय की बात करी जाए तो जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं तब से रामपुर में आजम खान के नाम का माहौल अच्छा खासा बना हुआ है। आजम खान ने ही वहाँ पर जो आसिम राजा हैं प्रत्याशी, उनको चुना था अपने एक मीटिंग के दौरान, उन्होंने उनके नाम की सार्वजनिक घोषणा की थी कि आसिम राजा ही यहाँ से प्रत्याशी रहेंगे। बताया जाता है कि दोनों ही परिवारों के बीच में कभी बनती नहीं थी, लेकिन इस बार जब आजम खान ने उनको लेकर के नाम की घोषणा की और उसके बाद ये बताया कि हम इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो और उसके बाद आज जिस तरह से गतिविधियां आजम खान की देखने को मिली, कैंपेनिंग के दौरान गतिविधियां देखने को मिली, तो उससे साफ साबित हो गया कि आजम खान फुल सपोर्ट में आसिम रजा के हैं। लेकिन आज जो ये वोटिंग हुई है उस वोटिंग में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बयान आए हैं आजम खान, उनके बेटे, समाजवादी पार्टी के नेताओं के, दोनों ही सीटों को लेकर के, उससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनके मन में खलबली मची हुई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सीट हमारे हाथ से खिसक जाए, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को एक बड़ा डर है कि वो ये दोनों सीटें हार रहे हैं, और इसी वजह से उलूल जुलूल बयान जो है उनकी तरफ से दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन और शासन को लेकर के। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए आज की इस वोटिंग से जुड़ा हुआ, और उसके बाद मैं इस मुद्दे को शुरू करता हूं, इस डिबेट को शुरू करता हूं कि आखिर आजमगढ़ और रामपुर किसके खाते में जाएगा, कौन तय करेगा आगे की तस्वीर इन दोनों ही जगहों के विकास की। सारी महिलाएं रुकी हुई हैं, सब दहशत डंडा बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। इस तरह जब ये नाकों पर खड़े हो जाएंगे मोहल्लों के, वोट कौन डालेगा? देखिए कितना वोटर खड़ा है वहाँ, ये आप हमसे पूछ रहे थे, देखिए ना क्या हो रहा है। कैमरा घुमाओ उधर को, देखो आप उधर घुमाइए, हमें क्या दिखा रहे हैं? पूरे बूथ खाली पड़े हैं, जब ऐसे खड़े होंगे मोहल्लों के नाकों पर कौन वोट डालने आएगा? देखिए ऐसा है, जनता जो है 5 साल के लिए चुनाव करती है, और ये आज जो चुन के यहाँ पर जनता ने भेजा था, आजम खान साहब को भेजा था, और उन्होंने जनता के साथ धोखा किया क्योंकि दोबारा चुनाव में आना पड़ा। तो जब दोबारा चुनाव में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 5 साल काम करती है, वो तैयार रहते हैं। जी जी, तो अब ये है कि भी जनता का मन चुका है कि उपचुनाव जो है योगी जी के नेतृत्व में जीतना है। पूरे ज़िले में ये मैसेज कन्वे किया गया है कि आधार कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। क्या आधार कार्ड सबसे बड़ी आइडेंटिटी नहीं है? इसके प्रमाण है कि इन्होंने मना किया कि आधार कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। हर पोलिंग स्टेशन पर हम कहते कहते थक गए कि आधार कार्ड से वोट पड़ेगा। पूरे प्रशासन ने SDM, कोतवाल साहब, COCT, हर इलाके के आधार कार्ड से वोट नहीं पड़ेगा। एक स्टेशन पर तो ये किया कि जो मास्क लगा के नहीं आएगा उसका वोट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कहा गया हामिद इंटर कॉलेज में, लोग अपने घरों को वापस गए और मास्क लगा के आए। इतनी कम पोलिंग, घर से निकल रही है तो मोटरसाइकिलों में सूजे घुसेड़ रही है पुलिस, रिक्शा के टायर काट रही है, लोगों को पोलिंग बूथ की लाइनों में मारा जा रहा है।
मशीन्स बंद कर दी जा रही हैं ये कहकर के बूथ के बाहर से लौटा दिया जा रहा है कि साहब मशीन खराब हो गई और ढाई ढाई पौने तीन तीन घंटे वोटिंग को बंद रखा जा रहा है। मैंने तो कहा और ट्विटर पे भी कहा और आपके सामने भी कह रहा हूँ कैसे चुनाव से कोई फायदा नहीं। मतदाताओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी गर्मी में अभी शुरुआत हुई है और मेरे ख्याल से ऐसी गर्मी है आज की तारीख में और ऐसी गर्मी में ये लोग निकल के आए हैं बेचारे, तो इनका मैं समझता हूँ बड़ा उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर। और उत्साह क्या ये बताता है कि चुनाव हम तो एक तरफा कमल खिल रहा है। देखिए मूल बात है कि समाजवादी पार्टी को अन्य दलों को हार का एक बहाना मिल गया है ईवीएम से 6 साल। अपने जमाने में वो क्या करते रहे जग जाहिर है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने मेहनत की है, प्रत्याशी अच्छा है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से लेकर आम कार्यकर्ता लगा हुआ है बूथ स्तर तक। उनके अखिलेश यादव आजमगढ़ जहाँ से सांसद थे वहाँ प्रचार करने एक दिन नहीं गए, रामपुर नहीं गए। आजम खान साहब अपने को सर्कस अपने को शेर कहते हैं कि शेर रिटर्न हुआ है, लेकिन मेरा मानना है तो शेर, लेकिन वो अखिलेश यादव के सर्कस के शेर हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आर बी उपाध्याय साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये आज सारा दिन समाजवादी पार्टी एक ही बात की रट क्यों लगाती रही कि आप लोगों ने जो वोटिंग हुई है उसमें पुलिस प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया है, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया, आप लोगों ने वोट नहीं डालने दिया, क्या 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 कारण रहा, क्यों इतनी नाराजगी इन लोगों को रही है? जब ये चुनाव हारने लगते हैं जी, तो हार का ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ने लगते हैं। इन्हें अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, उस हार से किसके सर मढ़ा जाए इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का काम है सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखना, वो कर रही है। जिसको मत देना है वो मत देने जाएंगे। उपचुनाव में हमेशा से मतदान का प्रतिशत डाउन रहता है, वो प्रतिशत नहीं रहता जो आम चुनाव में रहता है, ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जिस तरह से दोनों लोकसभा के उपचुनाव थोपे गए इन क्षेत्रों पर, आप भी जान रहे हैं कि इन लोगों ने थोपा, वहां पे अखिलेश जी प्रचार करने भी नहीं गए। जिस क्षेत्र की जनता ने उनको सांसद बना के भेजा था उसी क्षेत्र में उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव लड़ने तो भेज दिया, लेकिन स्वयं प्रचार करने नहीं गए। ये सब स्थिति बताती है कि कितनी नाराजगी जनता में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को लेकर के। ठीक है, ये लोग कुछ कह रहे थे कि कहीं पर मास्क नहीं लगा के गए इसलिए वोट नहीं दिया जा रहा है, मोटरसाइकिलों में सूजा घोंपा जा रहा है, बता रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है तो वोट नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बयान क्यों ये सब दे रहे हैं? क्या ऐसा सच में ये सब बच्चों वाली बातें हैं? चुनाव आयोग के नाम से उसमें जो जो प्रपत्र होने चाहिए उसमें से कोई एक कागज आप दिखा करके वोट दे सकते हैं अगर आपका मतदाता सूची में नाम है। किसी को कोई मतदान से रोक नहीं सकता, मतदाता का विशेषाधिकार है मतदान। यदि उसके प्रपत्र में एक भी आईडी दिखा सकता है जो उसकी 15 की सूची होती है तो उसको मतदान होता है। ये सब जो बातें कर रहे हैं लोग ये केवल अपने उस संभावित हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इसका ठीकरा कैसे किस हम सत्ताधारी दल के ऊपर थोप दे। जहां तक हमारी रिपोर्ट है, हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने क्षेत्र में मेहनत किया है और जिस तरह से जनता ने अभी मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दिया था उसी तरह से प्रचंड आशीर्वाद इस चुनाव में मिला, हमारे दोनों प्रत्याशी लोकसभा जा रहे हैं। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। मिसम जैदी हमारे साथ सपा से हैं। मिसम भाई, आवाज मिल रही है आपको? जी, बताइए। मिसम भाई, विवेक जी कह रहे हैं कि ये बचकानी बातें हैं जो आप लोगों ने सारे दिन आज कही हैं और आप लोग चुनाव हार रहे हैं इसी वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि सूजा घोंपा जा रहा है मोटरसाइकिल में, आधार कार्ड की बात आप लोग कह रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए, चुनाव समाजवादी पार्टी लग रही है, नितिन जी लड़ रही है, जनता नहीं लड़ रही है। ये बयान जनता के हैं, जनता की साइकिल में सूजा घोंपा जा रहा है और रिक्शे पर पंचर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये कैंडिडेट की शिकायत नहीं है, ये वो आम जनमानस की शिकायत है जो वहां पर वोट डालने के लिए जा रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी से मैं कई बार कह चुका हूं कि हमेशा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है और ये हमेशा सवालिया निशान इनके ऊपर खड़ा रहता है कि ये हमेशा किसी न किसी तरह चाहते हैं कि कैसे भी करके लोकतंत्र की हत्या हो जाए मगर इनका चुनाव जीत जाए और ये हमेशा राजशाही की तरह सत्ता पर काबित रहे और इसी तरह से जनता को गुमराह करते रहे। और ये एक बार की बात नहीं है, ये कई बार इस तरह के सवाल उठ चुके हैं। आपने इससे पहले देखा था कि प्रधानी के चुनाव में महिलाओं तक का चीरहरण किया था, इन्होंने कपड़े फाड़ डाले थे, उस वक्त भी वहां पर हम लोगों ने आवाज उठाई थी और शिकायत करी थी और ये चाहते ही नहीं है कि इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए। ये तानाशाह बन करके इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को आपस में लड़ाने का काम करते रहे और इसी तरह से जनता के ऊपर राज करने का कार्य करें। अच्छा, तो जो अभी वोटिंग परसेंटेज अगर जो सामने आ रहा है या जो सारे दिन की जो वोटिंग हुई है उससे क्या अनुमान लगाया जाए कि आप लोग मजबूत हैं, जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, या विवेक जी की बात मानी जाए कि उन्होंने जीत भी लिया है? देखिए, एक्चुअली आंकड़े पूरे परसेंटेज के हिसाब से तो अभी हमें नहीं पता है क्योंकि अभी हमने टीवी नहीं देखा है। आपसे मुझे जानकारी मिली है जिस तरह से, उस तरह से मैं यही कह सकता हूं कि देखिए ऐसा है कि पूरी जनता को, चाहे आजमगढ़ की हो या रामपुर की हो, सबको ये विश्वास है और पूरा भरोसा है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई समुचित विकास कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और मुझे लगता है कि जनता ने बढ़ चढ़ कर उनको वोट डाला है और निश्चित ही हमारी जीत है। आने वाले समय में जब 26 तारीख को वहां पर बक्सा खुलेगा, एटीएम मशीन खुलेगी, तो आपके सामने आ जाएगा और आप ही के द्वारा जनता में बता दिया जाएगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में है। उपाध्याय जी, ये जो आरोप आज सारा दिन समाजवादी पार्टी लगाती रही है, क्या ये आरोप किसी लहजे से सही हो सकते हैं? क्योंकि मिसम जैदी तो कह रहे हैं कि प्रधानी के चुनाव में भी चीरहरण देखा है सबने, लेकिन आज जिस तरह से आरोप लगा है कि लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, घरों से नहीं निकलने दिया गया, वोटिंग परसेंटेज इसी वजह से डाउन रहा, विवेक जी अपना तर्क दे रहे हैं कि उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज हमेशा डाउन रहता है, लेकिन इस बार कुछ नया नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी हार रही इस वजह से ऐसा कह रही है, क्या सच्चाई? अलग बेहतर है जी, लेकिन संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व होता है कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कामों में देखा ये गया है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उसके प्रति उत्तरदायी हो जाती है और कोई नहीं। जब सपा सत्ता में थी, आज बीजेपी सत्ता में है, सत्ताएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग या संसाधनों का दुरुपयोग उपचुनाव में जो भी भाई इलेक्शन होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और तो ये जीत की गारंटी भी होती है, 99% चांसेज होते हैं कि जो भी सत्ताधारी दल है उसका जो कैंडिडेट है वही जीतेगा। ऐसा पिछले आप अनुमान देखेंगे तो जो भी वाई इलेक्शन है उन पर देखने को मिलता है। रहा वोट परसेंट बढ़ना और घटना, तो उसके कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं हो सकता। अब मान लीजिए वो करें आधार कार्ड चेक न करें, कोई भी फर्जी वोटिंग कर जाए तो क्या वो जस्टिफाइड है? उसे भी जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। अगर शासन प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपने जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन कर रहा है जिससे कि कोई गलत वोट किसी और का वोट डाल के न चला जाए, अमूमन होता यही है जी। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब क्या कारण रहे वो तो अभी जब पूरा एनालिसिस आएगा कि भी कहां कितने परसेंट रहा। और फिर दूसरा क्या होता है, देखिए उत्साह, अब यहाँ उपचुनाव में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सबको पता है, जो सत्ताधारी दल है वो सत्ता में है, वही सत्ता में रहेगा, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना जी। तो एक निराशाजनक माहौल में उपचुनाव होते हैं। दूसरा, वहां के जो व्यक्ति जीता था उसने खाली कर दी, वो सीट खाली होगी, अब दूसरा कोई लड़ रहा है वहां पर, तो बहुत सारे एक ही फैक्टर नहीं होता। कोई ये कहने लगे कि भी नहीं एक ही फैक्टर है कि भी शासन प्रशासन वहां वोट नहीं डालने दिया गया। मैं नहीं समझता हूं कि भी किसी को वोट डालने से रोका जा सकता है, वोट डालना संवैधानिक अधिकार है, वहाँ जो भी पीठासीन अधिकारी होता है उसके सामने आप जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भी मेरे वोट को कास्ट नहीं करने दिया जा रहा। तो कारण कुछ और होते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने तरीके से उन सब चीजों को परिभाषित। आपको क्या लगता है सर कि कौन ज्यादा मजबूत है इन दोनों ही सीटों पर? देखिए, कौन मजबूत है और कौन कमजोर है ये अब जिस दिन, कोई बहुत लंबा समय नहीं बचा है, जिस दिन रिजल्ट आएगा
वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुकाबला कांटे का है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड रहा है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, जो सत्ता में होता है, उसको बेनिफिट मिलता है और परिणाम उसके भी प्रभावित होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक सर, मैं आता हूँ आपके पास। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। अभिषेक जी, विवेक जी की बात आपने सुनी, मिसम भाई की बात सुनी, और उसके पहले आपने आज सारे बयान भी सुने सारे नेताओं के। क्या कहना है कि क्या वोट को किसी तरह से प्रभावित किया गया है, किया जा सकता है? पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन का कोई दबाव होता है या सिर्फ ये कहीं ना कहीं हार का डर था सपा के अंदर? किसी भी पार्टी का कोई भी दल हो, मैं किसी एक विशेष दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी दल सत्ता में रहा है, जब भी रहा है, तो अपनी जीत के लिए, अपने कैंडिडेटों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेड़ सभी लगाए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हर एक इलेक्शन में कोई एक ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है कि नहीं ये करना है तभी वो होता है, नहीं। एक स्वाभाविक जो वहाँ की जो मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वो स्वाभाविक रूप से जानती है कि सरकार में कौन बैठा है, कौन लोग हैं, ये कौन कैंडिडेट है, ये जो खड़ा है वो कौन है, जो विपक्ष में है वो कौन है, कौन किसके कनेक्शन से है। तो एक ऑटोमेटिक एक मैसेज होता है जो जो कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होती खुद से, खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, वो जानते हैं सत्ता में कौन बैठा है। उपचुनाव खासतौर से ऐसा होता है, उनको पता है कि इस एक सीट से कोई परिस्थितियां बदलने नहीं जा रही हैं, कोई चीज होने नहीं जा रहा है, हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना है, हमारे आका तो ऊपर ही बैठे हैं, जो हैं वही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव के और इस जी कुछ कोई कुछ कह रहा है जो ये हर कोई जानता है कि आका वहाँ बैठे हैं और उन्हीं के साथ हमको रहना है और पांच साल तो उनके साथ एडजस्टमेंट करना है। देखिए, इज्जत तो जाहिर सी बात है, इज्जत हर पक्ष की है, इज्जत सपा की इज्जत क्यों बैठी है, सत्ता पक्ष की भी बस फंसी है। जी उपाध्याय जी, आप सही कह रहे हैं कि वोटर भी जानता है, इसमें कोई दुआ नहीं, लेकिन दूसरा पक्ष वो वोटर इसीलिए जानता है क्योंकि प्रशासन जना देता है। दोनों चीजें स्पष्ट रूप से हैं। ये भी सही है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आदमी जब वोट डालने जाता है तो सोचता है जीते हुए प्रत्याशी को तो हमारा वोट खराब ना जाए, एक एक साइकोलॉजी होती है आदमी की, और वो उसको लगता है कि नहीं प्रशासन, लेकिन वो कौन जीतेगा या जीतने की क्या उम्मीद है, वोटर को जो मैसेज देने का काम होता है वो गवर्नमेंट मशीनरी ही करती है। उपाध्याय जी, मतलब विवेक जी वो मैसेज कन्वे करने की जो बात होती है, मतलब विवेक जी ने आज लोगों को डराया है? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पंचम दल से जब फोन जाएगा तभी डीएम साहब समझेंगे। डीएम साहब पहले से ही समझते हैं कि भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इस एक चुनाव के हार जाने से, अगर अगर आजमगढ़ से भाजपा का कैंडिडेट हार जाएगा तो मुख्यमंत्री का पद नहीं बदल जाएगा, मिनिस्टर नहीं बदल जाएंगे, अधिकारी नहीं बदल जाएंगे, वो वैसे ही रहेंगे जो हैं, जो कल तक है वही आज भी हैं। जब जनरल इलेक्शन होते हैं तब ये परिस्थितियां होती हैं कि हाँ हमको एक निष्पक्ष तरीके से काम करना है, कोई जरूरी है यही नहीं आए, हो सकता है एक्स वाई जेड कोई भी आ सकता है, मगर उपचुनाव में परिस्थितियां स्पष्ट होती हैं, एक दो सीट से कोई फर्क सत्ता पर नहीं पड़ने वाला होता है। तो एक एक टेंडेंसी होती है, एक साइकोलॉजी होती है, हर अधिकारी अपने को सेफ रखना चाहता है, ये हर आदमी की अपनी एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी अपने को सुरक्षित रखना चाहता है जो जहाँ जिस स्तर पर है। दूसरी चीज, बड़े इलेक्शन रूमर्स पर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्रशासन, और ये स्वाभाविक सत्य है, हर कोई जानता है, उपाध्याय जी भी जानते हैं, सपा के नेता भी जानता है, बीजेपी भी जानता है, और आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, बहुत दिनों से चुनाव कवर कर रहे हैं, कोई आप लोग भी नए नहीं हैं, कि जब सत्ता की हनक होती है तो एक आम जनमानस में डर होता है, खासतौर से जब विपक्ष का जो वोट बैंक है या विपक्ष के लोग हैं वो किसी भी पार्टी के, क्या बीजेपी आज सत्ता में है, बीजेपी भी विपक्ष में रही है, उसने भी वो दौर देखा है, उपचुनाव बीजेपी भी लड़ी है विपक्ष में रह करके, उसको भी पता है कि क्या होता है, और वो सारी चीजें जो आज सपा झेल रही या और दल कांग्रेस झेल रहा है या और जो जो भी दल झेल रहे हैं वो भाजपा ने भी कभी झेला है, आज झेल रहे हैं, ये एक साइकोलॉजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब प्रशासन का दुरुपयोग होता है तो वोट बैंक वोट प्रतिशत इसीलिए गिरता है। अब सवाल यह है कि ये जो वोट प्रतिशत गिरा या जिन पोलिंग जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों के टायर काट दिए गए, आरोप लगाया जा रहा है कि आधार कार्ड से कहा गया कि इलेक्शन वोट नहीं पढ़ने देंगे, देखने नहीं देंगे, तो अब ऐसी अगर चीजें हुई हैं तो सवाल यह है कि वो जो लोग रोके गए वो किस समुदाय और किस वोट बैंक के लोग थे, वो कहाँ थे? क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में ये समुदाय बाहुल है, ये 2022 के इलेक्शन में भी देखा गया है, जो मशीनरी का दुरुपयोग जहां जहां हुआ या जिन लोगों ने जो कर पाने में सक्षम रहे, एक 2022 के इलेक्शन में देखा गया कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र को देखा गया कि हाँ इस वोट पोलिंग बूथ पर फला वोटर ज्यादा है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा बैलेंस बनाया जाए कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक ना निकल नहीं पावे, एक डर का माहौल बन जाए या कोई एक सबूत फेंक दिया जाए, बहुत बहुत फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है। तो वो फर्क
इस बार उपचुनाव के में ज्यादा होता है क्योंकि आदमी जानता है कि भैया इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के लोग हैं, यही रहेंगे और यही आगे भी अभी हैं, तो हमको बहुत ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं, इस वजह से वोट बैंक गिरा है। तो वो कितना लॉस करेगा विपक्ष को, ये बात है। और ये दांव जो इज्जत की बात है, ये दोनों के लिए है, सत्ता के लिए भी है कि इतनी सारी बहुमत पाने के बाद दो सीट उपचुनाव न जीत पाए सत्ता, तो उसके लिए भी है। और समाजवादी पार्टी का चूंकि वो गढ़ रहा है, अखिलेश यादव जी वहां से रहे हैं, मैंने सोच पाता क्या वजह रही कि अखिलेश यादव जी को चुनाव प्रचार करने आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। चलिए रामपुर को चलिए आपने आजम खान जी के लिए नाम पर छोड़ दिया क्योंकि वो वहां के स्टार कैंडिडेट हैं, स्टार नेता हैं, वहाँ के लोगों में उनकी एक अच्छी इमेज है, पहुँच है वहाँ के वोट बैंक में। लेकिन आजमगढ़ के आप सिटिंग अभी तो आप ही सांसद हैं आज की तारीख तक, अभी तक तो आपको, आप वहाँ नहीं गए अपने कैंडिडेट के लिए नहीं गए, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपके परिवार का कैंडिडेट भी आपके परिवार का है, उसके बाद वहाँ न जाना, ये बेशक जो है ये मैंने समझता उनका कोई अच्छा फैसला रहा, उनको जाना चाहिए था। ठीक ठीक ठीक। विवेक जी, मीसम जैदी कह रहे हैं कि आप लोगों ने डराया धमकाया है और इसका एक पहले भी आप लोगों ने नतीजा दिखाया था, प्रधानी के चुनाव जो हुए थे उसमें भी आप लोगों की तरफ से काफी कुछ किया गया था, ऐसे कई सारे जो आरोप हैं वो लगा रहे। जी नितिन जी, जी सवाल, हाँ नितिन जी, जी बोलिए। इसके पहले भी लोकसभा के चुनाव प्रदेश में हुए हैं, फूलपुर में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो ऐसा कुछ नहीं, जिस तरह से मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप ये लोग लगा रहे हैं, इनको अपने दिन याद आ रहे होंगे जब इनके समाजवादी पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को पर्चा तक दाखिल नहीं करने दिया गया था, एक कानपुर में अटका लिया गया था। तो ये सब सारी चीजें, सारे हथकंडे समाजवादी पार्टी अपने शासन काल में प्रयोग कर चुकी है, उन्हीं दिनों की इनको याद आ रही है। अभी थोड़ी देर बाद, बहुत ज्यादा ना होगा अगर ये कहना शुरू कर दे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव के चलते या ईडी या सीबीआई के चलते अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं गए प्रचार करने, अब ये भी कह सकते हैं। ये सत्यता ये है कि अखिलेश यादव जी को लेकर के दोनों जगह नाराजगी थी। अच्छा। आजमगढ़ में नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्होंने चुनाव थोप दिया, लोकसभा का उपचुनाव थोपा, और रामपुर में नाराजगी ये लेकर के थी कि आजम खान कैंप में ये नाराजगी कि साहब इन्होंने आजम खान का साथ नहीं दिया। तो अखिलेश यादव से नाराजगी तो दोनों जगह है। अच्छा, दोनों जगह इन्होंने एक जगह आजम खान के कहने पर प्रत्याशी दे दिया, एक जगह अपने परिवार से लाके खड़ा कर दिया। धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ में कोई रोल नहीं है, कभी वो इसके पहले आजमगढ़ में सक्रिय नहीं रहे। दिनेश लाल यादव चुनाव हारने के बाद भी बराबर उस क्षेत्र में डटे रहे और उसी बेल्ट के रहने वाले हैं, क्षेत्र में बने रहने का कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लाभ मिलता है, ये सबको मालूम है। और ये दुनिया की आरोप जो लगा रहे हैं कि साहब साइकिल में सूजा घूस दे रहे हैं, वो आधार मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, देखिए चुनाव ढंग से कराना, सुरक्षित कराना, ये मशीनरी का कर्तव्य, मशीनरी अपना काम करेगी, उनको सफल चुनाव संपन्न कराना है, वो अपना काम कर रहे हैं। जनता को यह रहता है कि साहब हमें मतदान करना, और जो सूची होती दस्तावेजों की वो लेके जाइए, अपना दिखाइए और आप सुरक्षित मतदान करके घर जाइए, ये होता है। अब उसमें किसी को अगर हार आसन्न दिख रही है, उस हार के बहाने ढूंढ रहा है किस तरह से हम आरोप लगा करके इस हार की जिम्मेदारी से बच सके, तो इनका सर दर्द है। फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना बहाया है, हम जन जन तक गए हैं अपनी पार्टी के विचारधारा, पसीना नहीं बहा रहे थे क्या? अब जब उनके अखिलेश यादव ही नहीं गए तो फिर कौन पसीना बहा रहा है, कौन नहीं बहा रहा है, तो उन्हीं से पूछिए। फिलहाल हमने मेहनत की जमीन पे, हमें जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। 26 तारीख को जब मतगणना होगी इन क्षेत्रों की, तो हमारे दोनों प्रत्याशी लोकसभा जाएंगे, ये तय है। ठीक, मिसम भाई सुना आपने?
पहुंच रही थी। जी बताएं नितिन जी, आपने सुना विवेक भाई कह रहे हैं कि साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया और इस बात का ऐलान कर दिया कि 26 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हमारे दोनों प्रत्याशी लोकसभा जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ऐसी नौबत क्यों लाए कि आजमगढ़ में चुनाव हुआ, धर्मेंद्र यादव बाहर के कैंडिडेट थे, कई सारी जो चीज़ें थी ये भी कहीं, और ये भी कहा कि दोनों ही जगहों पर, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, दोनों ही जगहों के लोग जो थे वो अखिलेश यादव से नाराज थे और इसी वजह से अखिलेश यादव नहीं गए। देखिए नितिन जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक रोना रहा है कि वो खुद क्या किए हैं इससे उनको मतलब नहीं, दूसरों के घरों में जाने की इनकी आदत बड़ी पुरानी है। अखिलेश जी आए नहीं आए इससे आपसे क्या लेना देना है, आपने काम किया है, आप काम कर रहे हैं तो जनता के बीच आपको अगर गए हैं तो आपको क्या डर लग रहा है, अगर आप जीत जा रहे हैं तो जीत जाइए ना, आपको जीत मुबारक हो। मगर हम तो ये कहते हैं कि जीत और हार तो लगी रहती है, तो चुनाव आए होते रहते हैं, जीत आती है हार सत्ता आती है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, हमेशा कोई रहता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जीत और हार आप एक्सेप्ट करो मगर लोकतंत्र की हत्या तो ना करो, संविधान की हत्या तो मत करो। मैं तो लोकतंत्र और संविधान को हम लोग बचाने की बात करते हैं कि आपको जीत मुबारक हो या किसी को भी जीत मुबारक हो, वही जीतेगा जो जनता के बीच लोकप्रिय होगा, ये जनता का मैंडेट है, इसमें किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो क्या हत्या कर दी इन्होंने, लोकतंत्र की हत्या यही कर देना है कि गरीब लोगों की साइकिलों को रोक देना, उनके टायर पंक्चर कर देना, रिक्शा रोक के टायर पंक्चर कर देना, मास्क लगा के नहीं आए हो, आधार कार्ड से वोट नहीं डलेगा, तमाम तरह की खामियां निकालने का जो विवेक जी तो लगातार डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये भी कह रहे हैं आधार कार्ड वार्ड अगर चेक हो रहा है, उपाध्याय जी भी कह रहे थे अगर आधार कार्ड वार्ड चेक हो रहा है तो जाहिर सी बात है भाई वोटिंग ठीक तरीके से हो, फर्जी वोट ना पड़े इस वजह से कागज पत्र चेक किया जा रहा होगा। देखिए ऐसा है जी, हमारे और आपके टाइम पर दो ग्लास जलते थे, एक ग्लास का नाम था सन ग्लासेस और एक थे आपके आई ग्लासेस, एक हो गए भक्त ग्लासेस, भक्ति वाले ग्लासेस जो लोगों ने लगा रखे हैं, चश्मे चढ़ा रखे हैं, उन्हें कुछ वो तो जिधर नशे में पानी मर जाएगा, मैं नाम किसी का क्यों लूं, क्यों किसी से दुश्मनी लूं भाई, मुझे तो नहीं कह रहे दुश्मनी लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जरिए से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमेशा भक्ति के चश्मे से प्रदेश की राजनीति करती आए हैं और जनता को देखती आए, क्योंकि उनको जनता का दुख दर्द दिखता ही नहीं है, उनको कानून लगाना तो इस तरह से हो गया, उनका शौक हो गया था, राजाओं के महाराजाओं के पहले जमाने में शौक हुआ करते थे कि वो नवरत्न रखते थे और तानसेन टाइप के लोग रखते थे, बीवर रखते थे, गाने सुन के मनोरंजन करते थे, मगर यहाँ के जो आजकल के दौर के नेता हैं उनको नए नए कानून बनाने का मजा आता है, उसमें उनका समय पास होता है कि जनता तरफ तो रोड पर आए, ईटा गुम्मा चलाए, चिल्लाए, रोए अपने दुख को, और राजा तेल कान में तेल डाल करके बैठा रहे। हम उस तेल को निकालने का काम करने आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताने आए हैं कि ताकत सबसे बड़ी लोकतंत्र की होती है और वो आज नहीं कल सत्ता परिवर्तन होती है, लिहाजा ऐसा काम करके जाइए कि जनता आपको दोबारा कभी मौका भविष्य में दे। मगर जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिस तरह से उनको चुना है, जिस तरह से वो डबल इंजन की सरकार की दुहाई दिया करते हैं, मुझे लगता है कि वो दुहाई इस तरह से रहे कि आने वाले समय पर भी कभी चुनाव हो तो उस दुहाई को काम में लेते रहिए और हमेशा जनता के किए हुए वादों पर जो आपने किए हैं उन पर भी ध्यान रखिए और जनता के किए हुए वादों को पूरा साकार करने का कार्य करिए, ना कि आप किसी तरह का कोई उस तरह का अराजक का माहौल फैलाइए जिससे प्रदेश और देश जो है वो आग में झोंकने का काम करे। यहाँ पर बात जो है वो पार्टी की जीतने हारने की नहीं, यहाँ पार्टी है मानवता की और इंसानियत की और लोकतंत्र की। ठीक है मिसम भाई, विवेक भाई कुछ कह रहे हैं, विवेक जी क्या कह रहे थे? देखिए नितिन जी, 26 तारीख को तो साइकिल को पंचर होना ही होना है, फिर आप अब अगर सपने में अगर इधर सपने में साइकिल पंचर होते दिख रही तो इसमें दिक्कत क्या है, उसको तो पंचर होना ही होना है, इसमें इतनी हाई तोबा वाली कौन सी बात हो, 26 तारीख तक और इंतजार कर ले। नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि गरीबों की साइकिल पंचर कर दी आप लोगों ने ताकि वोट न डालने जा पाए। ये तो अपने हार का ठीकरा हमारे सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता ये कि साइकिल पंचर हो चुकी है, परिणाम आना से 26 तारीख को आपको दिख जाएगा। आजमगढ़ की जनता ने और रामपुर की जनता ने साइकिल पंचर कर दी है और आजमगढ़ दिनेश लाल रघुआ के सांसद बनने के बाद अब आर्य नगर बनने जा रहा है, आजमगढ़ नाम भी नहीं रहेगा। ठीक है मिशन भाई, कौन सी साइकिल की बात कर रहे हैं विवेक जी? देखिए ऐसा है कि
इत्तेफाक से हम समाजवादियों का चुनाव निशान भी साइकिल है, और जिससे गरीब अपनी रोजी रोटी करता है और जिससे अपने बच्चों का लालन और पोषण करता है उसकी भी साइकिल की बात हो रही है। जिस साइकिल से गरीब अपना घर को पाल रहा, अपना पेट पाल रहा है और सुबह और शाम दो जून की रोटी जिस साइकिल से जुटाता है, उस साइकिल की बात हो रही है। उस साइकिल की बात हो रही है जब कोरोना काल में लाखों रुपए की साइकिल पंचर कर दी हम लोगों ने। जाहिर सी बात है, गरीबों की साइकिलों को थी तो आप पंचर करेंगे, मोटर गाड़ी वालों का आप कहाँ कर पाएंगे कुछ। मोटर गाड़ी वाले तो यहाँ से भाग जाते हैं आपकी नाक के नीचे से, आपको तो पता ही नहीं लगता। बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो ये सरकार है, चार ही लोग तो सरकार चला रहे, दो उद्योगपति है और दो राजनेता। अब वो कौन है ये खुद ही ढूंढ ले, विनोद जी पता कर। विवेक जी क्या कह रहे हैं? बार बार साइकिल की गरीब आदमी की दुहाई दे रहे हैं हमारे मित्र, लेकिन आप भी जानते हैं कि समाजवादी के किसी नेता के पास घर में साइकिल ढूंढने निकलेगी नहीं। सब फॉर्चूनर वाले तो ये सब चीजें कहने की हैं। ना गरीबों से इनका कोई वास्ता, ना गरीब की साइकिल से इनका कोई वास्ता है। और जनता ने इसीलिए इनको अनफिट किया, और एक नहीं दो बार अनफिट किया। धर्मेंद्र यादव को बदायूं में अनफिट किया, जबरदस्ती ले जाकर के आजमगढ़ उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। आजमगढ़ से उनका कोई रक्त जब्त है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम दोनों क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी स्थानीय हैं, वहाँ काम किए हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमने जमीन पे पसीना बहाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, हम घर घर तक दरवाजा खटखटाए हैं, एक एक आदमी से हमने संपर्क किया है। हमें उस संपर्क का और उस जनता के बीच काम करने का आशीर्वाद मिला है। आज 26 तारीख को परिणाम में दिख जाएगा। जी नितिन जी, जी विवेक जी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि साइकिल की बात तो आप लोग कर रहे हैं, साइकिल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपके किसी भी नेता के पास साइकिल है नहीं। आइए गांव चलिए, फॉर्च्यूनर वाले आपको दिखाएं। शहरों में तो इतना प्रदूषण हो गया है, इतनी आपने जो है शहरों की हालत कर दी है कि यहाँ कौन चलाए साइकिल। चलिए गाँव में चलिए, आपको सारे नेताओं के पास साइकिल दिखाते हैं, और गांव से ही तो आप चुन करके आते हैं। सारा गांव का ही आदमी साइकिल चलाता है, आप गांव के आदमियों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ये मुट्ठी भर शहर के ही लोग आपको चुनाव जिताते हैं? इसीलिए तो कहा गया है कि आप हमेशा पूंजीपतियों को ही सम्मान करते आ रहे हैं, गरीबों से तो आपकी नजर हट गई है। जिन गरीबों ने आपको उठा के बैठाया है सत्ता में, आप उन्हीं से ही उनका माहौल उड़ा रहे हैं, तो ये जल्द पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक, समय आने पर। ठीक है उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए आरबी उपाध्याय जी, ये मिशन जैदी कुछ चश्मे उश्मे की बात कर रहे थे, किस बात को लेकर के, मुझे समझ नहीं आया। अरबपति करोड़पति से कम नहीं होना चाहिए, ये पैरामीटर पॉलिटिकल पार्टियों का है। और देखिए सभी की विचारधारा एक जैसी है, सब देखिए राजनीति तो स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, चंदे का तोड़ कोई नहीं बताएगा। जब इतनी ही पारदर्शिता है तो बता देना चाहिए, कोई भी आरटीआई लगाता है तो वहां भी ठीक है, उसने चंदा दिया, इसने चंदा दिया। और तो और इस देश की विडंबना है, संविधान की बात सभी करते हैं, लेकिन संविधान को भी अपने तरीके से लिखा जाता है कि जो 30 साल सर्विस करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और नेताजी अगर 4 बार चुन लिए गए तो 5 बार पेंशन मिलेगी। जी। एक देश में दो कानून, नेताओं के लिए अलग कानून है, जनता के लिए अलग कानून है, बात गरीब की करेंगे। और देखिए कौन किसकी साइकिल पंचर करता है, कोई किसी की साइकिल पंचर नहीं कर सकता, साइकिल पंचर जनता करती है। सही बात है, जनता ही वोट करती है, जनता ही सिंहासन देती है, जनता कुर्सी खींच भी देती है। जिस जनता की बात करते हैं उसको तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई तवज्जो देता है। और जनता भी जब वोट करने का नंबर आएगा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो भूल जाती है कि इसके अलावा भी समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बेरोजगारी है, सेकेंडरी हो जाती हैं चीजें। और जनता भी जो पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं, जिस पिच पर खिलाना चाहती हैं, जनता भी उसी पिच पर खेलना शुरू कर देती है। टिकट बंटवारे से लेके आप देखेंगे टिकट कौन सी जाति के कितना बाहुल्य है, उसी जाति को उसको टिकट मिलेगा। कौन से संविधान में लिखा है, किसी संविधान में नहीं लिखा, लेकिन जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, देना के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, राम के नाम, मतलब वोट मांगने का तरीका भी बदल गया है। किसी को मुद्दे नहीं बांटते हैं,
मुद्दों से इधर सारी चीजें इलेक्शन में चलेंगी, पाकिस्तान भी चलेगा, जिन्ना भी चलेगा, लेकिन वो गांव का स्कूल नहीं चलेगा जहां गरीब का किसान का बच्चा पढ़ता है। कोई उसकी बात नहीं करता कि उसमें बिजली नहीं है, उसमें टॉयलेट नहीं है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस देश को हम कहां ले जाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो समझ से परे है। और गरीब वोट दे देता है, उसके बाद कितने नेता हैं जो जाते हैं। अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे कि गांव में चले जाइए, गांव में भी साइकिल गरीब आदमी के पास ही है, अमीर आदमी के पास साइकिल नहीं है ना। वो अगर म्यूजियम में कहीं रखी हो संभाल के तो मैं नहीं मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास ढूंढने से सब हो गया है, वो सब फॉर्चूनर वाले हो चुके हैं, के पास ही मिलेगी। अरे तो बीजेपी में भी तो इसी तरह है, आप खाली सपा को क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैं सपा एक पार्टी नहीं, मैं उपाध्याय जी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, विवेक जी कह रहे हैं कि सपा वालों के पास खाली फॉर्चूनर है, साइकिल नहीं है। देखिए सबके पास है, संपत्ति का आकलन कर लीजिए, भाजपा वाले को ज्यादा है, रहने के बाद पूरा सिस्टम बदल जाता है। गरीब आदमी की प्रगति तो उस रेशो में नहीं होती है जी। और ये यही देश है कि नेता अपनी शैली खुद तय कर लेते हैं। ये कौन से संविधान में, कौन से सिस्टम में कि मैं अपनी शैली खुद तय करूं? बात करेंगे राजनीतिक सुस्ता की, बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे गरीब की, लेकिन आचरण बिल्कुल उलट है। मैंने बताया ना एग्जाम्पल है कि 30-40 के बाद आपको कोई पेंशन नहीं, लेकिन नेताजी 5 बार चुने गए हैं, 5 पेंशन लेने के हकदार हैं। इतनी बड़ी विडंबना इस देश के अंदर क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, ठीक सर, बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर जी, ठीक। और तो सार्वजनिक मंचों से कहा जाता है, संविधान नेताओं के लिए नहीं होता। महाराष्ट्र में एक नेता ने सार्वजनिक मंच से कहा, हम सब देख रहे कानून और संविधान, हमारे लिए कोई कानून और संविधान नहीं होता। ठीक ठीक, मैं आता हूं। अभिषेक मिश्रा, आपने सबकी बात सुनी और ये भी बताया विवेक जी ने कि हम 26 तारीख को जीत रहे हैं, क्या नहीं जीत? वो तो कहेंगे ही, पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वो तो कहेंगे ही। जीत किसकी होगी किसकी नहीं होगी, और वो जब इतने कॉन्फिडेंटली सत्ता पक्ष के होकर कहते हैं हम ही जीतेंगे, तो फिर शक पैदा हो पाना लाजमी हो जाता है कि आखिर इतना विश्वास क्यों है। लेकिन खैर वो अलग का विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। जीत किसकी होगी किसकी नहीं होगी तो 25 तारीख को बताएगा। सपा वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे 26 तारीख को, सॉरी सपा वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए आमने सामने जब दो ही कैंडिडेट हैं तो फाइट तो नेक टू नेक ही है और दोनों का अस्तित्व लगा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है दोनों की दोनों, अभी तक हर बार दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है जी, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी परंपरागत सीट है इसलिए प्रतिष्ठा दांव पर है। आजम खान साहब की भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर है क्योंकि इतने दिन वो जेल से रहकर आए हैं, तो एक सिंपैथी जो पब्लिक में होनी चाहिए वो भी देखना है कि उससे कुछ सिंपैथी पब्लिक में गई कि नहीं गई, उसका क्या रिएक्शन पब्लिक गवर्नमेंट के सामने देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। दूसरा ये कि उनकी उनकी परंपरागत अरे देश की सेवा कौन करता है कौन नहीं, आप तो कर रहे हैं देश की सेवा, चलिए आप तो कर रहे हैं विवेक जी देश की सेवा, कहिए देश की सेवा कौन कर रहा है कौन नहीं, ये हर कोई जानता है। अभी उपाध्याय जी ने बहुत सही बताया, आप देश की सेवा करने के लिए विधायक और सांसद बनते हैं कि पेंशन लेने के लिए बनते हैं कि फॉर्चूनर लेने के लिए बनते हैं, ये हर कोई जान रहा है। विषय अभिषेक जी आजम खान के जेल जाने का है, अपराध में जेल गए विवेक जी, कौन 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 देश सेवा में लगा है और कौन नहीं, हर कोई जानता है। कितने नेता इस देश के अंदर देश सेवा कर रहे हैं आपकी पार्टी के साथ, मैं समझता हूँ शायद अगर इस पर हम बात करेंगे तो ये डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी, और मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने एक सिंपैथी की बात की, वोट सिंपैथी की बात की है, मैंने कोई अरोट पढ़ चुका, मेरे बोलने ना बोलने से वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विवेक जी, अननेसेसरी बात को दूसरे के तरीके से मत बनाइए, मेरी बात सुनिए विवेक जी, मैं जब आप बोले थे तब मैं नहीं पढ़ा था, बिल्कुल कंप्लीट करिए अपनी बात जी, मैं उसी पे कह रहा हूँ कि अपराध में जेल गए हैं कोई सहानुभूति जैसा जेल जो भी जाता है, जेल जो भी जाता है गांव की सेवा कर रहे हैं, गांव की सेवा कर रहे हैं, पैसा नहीं लेते, पेंशन नहीं लेते, भत्ते नहीं लेते, जेल जो भी जाता है किसी किसी अपराध में ही जाता है। सवाल ये है कि कुछ अपराधी होकर भी नहीं जाते हैं, कुछ छोटे से छोटे अपराध में भी चले जाते हैं, अपराधी कैसे बनते हैं ये हमें नहीं पता, ये बहुत अच्छे जानते हैं। न्यायालय के आदेश अभिषेक जी आप अधिवक्ता हैं, न्यायालय के आदेश में जेल भेजे, मैं समझ रहा हूँ, मैंने विवेक जी वही कहा कि आप मुझे मत बताइए कि जेल कैसे जाते हैं, मुझे पता है कि जेल और अपराधी बनने में कितना टाइम लगता है,
एक पुलिस को, एक पुलिस किसी आदमी को अपराधी बनाने में कितना टाइम लगाती है ये आप मुझे मतलब मैं बखूबी जानता हूँ, कैसे अपराधी बनाया जाता है, कैसे हिस्ट्री शीट बन जाती है, कैसे कैसे एविडेंस आ जाता है, आप मुझे ना बताइए विवेक जी, बहुत अच्छे से जानता हूँ। सवाल शख्सियत को पुलिस अपराधी नहीं बनाती है, बने बनाए अपराधी है। चलिए ठीक है, आपकी बात सही, खुश हो गए आप, आपकी बात सही। बाकी बाकी भारतीय जनता पार्टी में तो अपराधी है ही नहीं, एक भी अपराधी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो विषय बिल्कुल नहीं है। आप क्यों डाइवर्ट करते हैं? नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आंकड़ा बताता है कि सबसे ज्यादा अपराधी आपकी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा है कि सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट आपने दिया है, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए विवेक जी। मैं हम डाइवर्ट नहीं कर सकते विवेक जी, दिवे को डाइवर्ट मत कीजिए। अपराध में जेल गए हैं, न्यायालय के आदेश में जेल भेज। भारतीय जनता पार्टी में भी अपराधी है जो घूम रहे हैं खुलेआम, भारतीय जनता पार्टी में भी अपराधी है, एक नहीं बहुत है, दायरे में है, कानून के दायरे में है, मुझे पता है। उनको पढ़ने जाके विवेक जी नहीं सुनते किसी की, आराम से पढ़िए विवेक जी, नहीं सुनते हैं किसी की। सत्ता का कुछ मध्य ऐसा होता है जो सुनना पसंद नहीं करता है। मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ, मैंने आपके विवेक जी आपकी गलती नहीं है, अदालत के आदेश पे जेल रहे हैं। सत्ता का मध्य ऐसा होता है जो आदमी दूसरे को सुनना पसंद नहीं करता है, यही सत्ता का घमंड होता है जो समझ नहीं आता। मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ आपको, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आपने तो पूरी डिबेट ही डाइवर्ट कर दी, आपने तो पूरी डिबेट ही डाइवर्ट कर दी, क्योंकि सारे साधु संत ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो अपने आप बैठते हैं, खुद से सत्ता पर आते हैं और कह जाते हैं कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमे थे सब राजनीतिक विद्वेष लगाए गए थे, 302 का मुकदमा राजनीतिक विद्वेष है, 307 का मुकदमा राजनीतिक विद्वेष होता है, छिनाइती का अपहरण का मुकदमा राजनीतिक विद्वेष होता है। अब छटपटाइए ना, सुनिए छटपटाइए, मत सुनिए सुनिए। अब तो ये मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक विद्वेष के तहत मुकदमे लगाए गए थे, मैंने वही कहा ना, अपने आप खुद तय कर लीजिए बैठ करके कि हाँ ये मुकदमे मेरे खिलाफ जो लगा था ये राजनीतिक विद्वेष था, आप कह दिए और हो गया, बात खत्म। ताकत है आपके पास, कुछ भी कहिए और जो आप कहेंगे वही माना जाएगा। वो ताकत जनता ने दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि 307 का मुकदमा, 302 का मुकदमा, अपहरण का मुकदमा, ये राजनीतिक विद्वेष मुकदमे होते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, और तो मैं ये कह रहा था कि दोनों ही दलों की अपनी एक प्रतिष्ठा लगी हुई दांव पर और नेक टू नेक फाइटिंग, क्योंकि कोई किसी और दल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ना बसपा लड़ी, ना कांग्रेस लड़ी, ना बसपा उसका बसपा आजमगढ़ में लड़ी है, वहां नहीं, बसपा लड़ी है आजमगढ़ में जो लड़ी है और जिस तरह से लड़ी है, आपने हम सब जानते हैं, कुल मिला के मामला बिल्कुल सीधे सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो देखना सिर्फ ये है कि विवेक जी तो इससे संतुष्ट है ना कि आजमगढ़ में लड़ रही, तो आजमगढ़ में सपा का वोट कटेगा, वो उनके लिए टॉनिक वाला काम है भाई। उनका तो टॉनिक है ही है, वो तो मैं कह तो रहा हूँ, देखिए वो सत्ता में है, वो जो कहे वो सब सही है, इस समय किसी की मजाल नहीं है, और 2 मिनट लगता है अपराधी बनाने में इनके लिए, इनकी सरकार के पास। हाँ विवेक किसकी मजाल है जो बोल की बात काट दे भाई। साइकिल से चलने की जरूरत भी आपको ज्यादा है, ये आप जान लीजिए। हाँ विवेक जी क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दम पे अपने नेताओं के काम पे प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव में जाते हैं, कौन सामने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना जनता से सीधा संवाद कायम करते हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जो आज हो चुका है। 26 तारीख को हमारे दोनों प्रत्याशी लोकसभा जा रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट से कैसे कह सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस भी नहीं कह रहे। ये कॉन्फिडेंस जनता के बीच रहने पे आता है। हाँ। ये कॉन्फिडेंस उधार में नहीं मिलता कहीं, ना बाजार में मिलता है। मिसम भाई ये इतने कॉन्फिडेंस से विवेक जी कैसे कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हम जीत जाएंगे, ये सब उल्टा सीधा सारी चीजें। देखिए ऊपर इनको सत्ता का नशा बिल्कुल चढ़ चुका है इनके ऊपर, अब भगवान ही आकर के उतारेंगे, और वो भगवान है देश की, प्रदेश की जनता। अच्छा इन्हीं के प्रत्याशी थे 2019 में कह रहे थे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैंने जो कह दिया वो एकदम फाइनल है। अरे जो इनके प्रत्याशी थे उनका कहीं आप इनको वीडियो दिखा दीजिए तो ये लोग भाग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। वो तो कहते थे कि मैं विधि के विधान को बदल दूंगा, मैं लिपिक पर पैर धर दूंगा, वो तो बिल्कुल आकाशीय और वाणी और एकदम समझ लीजिए कि वो तो उस तरह का क्या कहते हैं संबोधन कर रहे थे कि जैसे खुद ब्रह्मा पृथ्वी पर उतर आए हो निरहुआ जी के भेष में। निरहुआ जी तो अपने आप को साक्षात अवतार मान रहे थे भाई, और उसके बाद क्या हाल हुआ उनका सबने देखा।
और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके पास भी कोई कैंडिडेट नहीं है। निर्मला जी जैसे लोगों को फिर उतार के खड़ा कर दिया है कि जिनके पास जो है वो सिर्फ सिनेमा और चलचित्र से समय नहीं मिलता, उनको जनता के बीच में आकर के क्या समय मिलेगा और वो क्या जनता का दुख दर्द समझेंगे। वो तो हर चीज को हास्य में बना के उतार देंगे, तो उनकी तो छवि तो आप जान ही रहे। जनता के बीच में वो व्यक्ति जाना चाहिए जो संघर्ष करता हो, जो धूप में हर वक्त खड़ा रह सके, जो पसीना और खून बहा सके जनता के लिए, ना कि वो एसी में बैठ करके और फिल्मी डायलॉग बोले। तो फिल्मी डायलॉग से और हकीकत में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ विवेक जी क्या कह रहे हैं, फिल्में में रील में और रियल में बड़ा फर्क है नितिन जी, जमीन और आसमान का। कलाकार है, कलाकार की कला का सम्मान होना चाहिए। अगर उन्हें पार्टी ने मौका दिया, उनकी लोकप्रियता को देखते हो, तो आप मैदान में उनका मुकाबला करिए। किस तरह के आरोप लगाने वाले कौन है? आप भी तो राजबब्बर को लोकसभा भेजे हैं। राजबब्बर कौन सा समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर संघर्ष किए थे? ये बहुत लंबी लिस्ट है। कांग्रेस ने तुमको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, तो क्या कांग्रेस के वो ग्राफ ये, 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 ये विवेक जी, ये जो सफाई में ये लोग कला को सम्मान देते थे, तो आप लोग क्यों मुद्दा बनाते हो? सफाई में कला को सम्मान नहीं देते थे, सफाई में कलाकारों के ऊपर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लुटाया जाता था। उनको चार्टर्ड प्लेन से बुला करके एसी कैंपों में उनका डांस देखा जाता था। और जिस मुस्लिम तबके की रहनुमाई का समाजवादी पार्टी वाले छाती पीटते नहीं सकते, उन्हीं मुस्लिमों के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद 60 बच्चे मुजफ्फरनगर के रिफ्यूजी कैंप में मर गए, और उसी समय अखिलेश यादव आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे सैफई के एसी कैंपों में। इसका कोई जवाब नहीं मिलता समाजवादी पार्टी तरफ से। अगर एक एसडीएम को भी सस्पेंड किया हो अखिलेश यादव ने अपने शासन काल में रिफ्यूजी कैंपों में बच्चों के मरने पे, तो आप उस एसडीएम का साफ नाम बता दीजिए, मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लूंगा। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं ना कि जमीन पे जो नेता है उसी को जनता पूछती है, हम तो जमीन पे। ऑक्सीजन से कुछ बच्चे गोरखपुर में मरे हैं कुछ दिन पहले, जो हॉस्पिटल मरे तब से की मैं आपको तर्क सही कर दूं, उसमें हमने प्रिंसिपल से लेकर के डॉक्टर तक सबको जेल भेजा, कार्रवाई की। एक भी कार्रवाई अगर अखिलेश यादव ने की हो उन 60 बच्चों के मुस्लिमों के मरने पे, तो आप वो कार्रवाई बता दीजिए। बताइए भाई मिसम जी, मिसम जी का कुछ कनेक्शन टूट गया फिलहाल, चलिए समय है। हाँ मिसम भाई, आप आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। हाँ उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए कुछ नहीं है, कथनी करने का फर्क एक्चुअल में साफ दिखता है। पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन में दिखती हैं वैसे है नहीं। मैंने उदाहरण भी दिए, पारदर्शिता की बात करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा काला धन पॉलिटिकल पार्टियों के पास ही आता है। स्विस बैंक में जो काला धन है वो डबल हो गया। हम स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कर रहे थे, आंकड़े बताते हैं तो वहां डबल हो गया। देखिए जीत हार, जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। जनता वोट करती है, जनता ने किन मुद्दों पर बात की और किन मुद्दों पर वोट किया वो महत्वपूर्ण होता है। जीतना हारना सिक्के के दो पहलू, लेकिन किसको जनता की चिंता है ये कह देने भर से नहीं होगा। कोई कहता है खून बहाते हैं, कोई कह रहा है पसीना बहा रहे हैं, कोई कह रहा है 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं मानूंगा जिस दिन गांव का जो स्कूल है दूर गांव का स्कूल है वो सुधर जाएगा, उसमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, वहां छोटा सा एक डॉक्टर होगा, जो मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे गांव में मुझे दवा मिल जाए, मुझे शहर के अस्पताल में न भागना पड़े, पीने के लिए पानी मिल जाए। तो हम चाहते क्या है, आम आदमी क्या चाहिए? उसको बहुत ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए, उसकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। वो तो अपना जीवन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो मांगता है, शिक्षा मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है, इलाज हो जाए और छोटा मोटा काम धंधा जिससे उसकी आजीविका चलती रहे। वो नहीं चाहता न फ्री में पानी चाहता है, न बिजली चाहता है, न राशन चाहता है। लेकिन जब व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, ये सब कुछ नहीं दे पाती हैं, तो फिर जाति और धर्म और संप्रदाय रह जाता है, इसमें बड़ा आसान है जी। और जनता भी मैं समझता हूं कि सिर्फ उसी भाषा को समझती है और उसी पर वोट करती है, इसीलिए विकास बेईमानी लगता है। कोई विकास की बात ही नहीं करना चाहता। सब टिकट बंटवारे से लेके आखिर तक जातीय समीकरण साधने में लगे रहते हैं। काश इस जातीय समीकरण को साधने के बजाय
जो आम आदमी है उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन पर अगर ध्यान दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि गांव मजबूत होगा, समाज का आखिरी व्यक्ति मजबूत होगा तो राज्य भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत। ठीक है, आज सब बात करते हैं लेकिन यथार्थ में माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजना है, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी थी स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन कितने नेताओं ने अपनाया, फोटो सेशन बहुत हुए लेकिन आज भी चले जाइए गंदगी के अंबार लगे पड़े, छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर में जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जमीन पर उतर रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख लोकसभा सीटों पर आज उपचुनाव की प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो गई, वोटिंग हो गई, 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है, बीजेपी ने अपनी पूरी लॉबी इस चुनाव में उतार दी थी कि दोनों ही सीटों पर किसी भी तरीके से जीत दर्ज की जाए। 19 में दोनों ही सीटें बीजेपी हार गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी और इस बार भी उनको अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई काफी अहम नजर आई थी और उसी को देखते हुए उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ा भी है। 26 तारीख को नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।